कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन एनसीपी चीफ के पद से शरद पवार के इस्तीफे से खुश नहीं हैं। दोनों ने शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को फ़ोन करके उनसे कहा कि वे अपने पिता को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाएं। एनसीपी सदस्यों के मुताबिक राहुल और स्टालिन ने मंगलवार को शरद पवार के ऐलान के कुछ घंटों के अंदर ही सुले को फ़ोन किया था। एनसीपी सदस्यों ने बताया कि राहुल और स्टालिन दोनों ही ये जानना चाहते थे कि पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला क्यों किया है। उनका कहना था कि पवार को अपने फैसले के बारे में फिर सोचना चाहिए। उन्होंने बताया कि शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कई गैर भाजपा पार्टियों के नेताओं ने कहा कि अगले लोकसभा चुनावों तक पवार को पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहिए। बुधवार को पवार ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के लिए उन पर भारी दबाव है। 82 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को जब इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि शरद पवार अपना फैसला वापस लें। हालांकि उनके भतीजे अजीत ने कहा कि साहब का फैसला पलटता नहीं है।